धामी कैबिनेट में लगी है कई अहम फैसलों पर मुहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, आइए जल्दी से इनके बारे में आपको बता देते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक में जो सबसे अहम फैसला लिया गया है वो ये कि उत्तराखंड में अगर किसी जनप्रतिनिधि को एक बच्चा है और चुनाव के बाद उसे जुड़वां बच्चे होते हैं तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके लिए विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा। धामी सरकार ने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। होम स्टे के लिए 100% अनुदान मिलेगा। विभिन्न विभागों के सहायक अभियंताओं को 4000 रुपए वाहन भत्ते के रूप में दिया जाएगा। उत्तराखंड में मछली के तालाब 10 साल के लिए नीलाम होंगे। हाउस ऑफ हिमालया के उत्पादों की मॉनिटरिंग के लिए अब कंपनी बनाकर काम किया जाएगा, सोसाइटी काम नहीं करेगी। धामी कैबिनेट से ये फैसला भी निकला है कि महिलाओं को तीसरे साल भी 100% चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। चाइल्ड केयर लीव में पहले 365 तक 100% वेतन था, उसके बाद 80% था, अब तीसरे साल में भी 100% मिलेगा। पुरानी जेल परिषद देहरादून में बार एसोसिएशन के लिए जो जगह दी गई है 5 बीघा, तो उसको भी जब विचलन से हो चुका था, आज कैबिनेट से स्वीकृति ली गई, उसको 30 सालों के लिए लीज पर दिया गया है बार एसोसिएशन को 1 रुपया प्रति वर्ष की दर से। अगला मत ऊर्जा विभाग का है, जो लखवाड़ व्यासी जो डैम वगैरह बन रहे हैं, तो इसमें ये था कि जो लोकल लोग काम करते हैं वो छोटे छोटे काम खुद कर सकते हैं सहकारी समिति के माध्यम से, अल्प तकनीकी लघु कार्य परियोजनाएं वगैरह और सिंगल टेंडर से भी कर सकते हैं। पहले इसकी सीमा 5 लाख थी, जो काफी पुरानी सीमा तय की गई थी, तो आज कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसकी सीमा 10 लाख तक बढ़ा दी जाए। 10 लाख तक के छोटे जो कार्य हैं ये लोकल सोसाइटी जिसका कि EPF खाता वगैरह हो वो करवा पाएगी। OBC रिजर्वेशन के लिए आप जानते ही हैं कि एकल सदस्यीय समर्पित आयोग बना हुआ है, उन्होंने कुछ काम कर लिया है लेकिन कुछ काम अभी बाकी है, इसलिए उस आयोग की समय सीमा 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई। कैबिनेट में भी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी का आभार भी जताया गया। आबकारी नीति पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस सब पर अभी और विचार होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।